हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम करण सरदाना। अ वेरी वेरी गुड न्यूज, आईबीपीएस आरआरबी का फुल नोटिफिकेशन आ गया है। जैसा आपको बताया था, पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था और अभी फाइनली फुल नोटिफिकेशन आया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कट ऑफ डेट क्या है, एग्जाम की डेट क्या है, एज लिमिट क्या है और वैकेंसीज कितनी आई है, ये सारी डिटेल हम आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले आईबीपीएस, जो कि हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन है, इसके अंदर आरआरबी का पेपर होता है, जो कि होता है रीजनल रूरल बैंक के अंदर। जो भी हमारे रीजनल ग्रामीण बैंक होते हैं उनके अंदर यहाँ पे वैकेंसी निकलती हैं। किसके अंदर, किस लेवल पे वैकेंसी निकलती है, कितनी वैकेंसी निकलती है, बहुत वैकेंसी आई है स्टूडेंट, बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्लेरिकल पोस्ट की वैकेंसी निकलती है, यहाँ पे पीओ के लिए भी वैकेंसी निकलती है। क्लेरिकल को यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट बोला जाता है और पीओ को यहाँ पे बोलते हैं स्केल वन ऑफिसर। साथ के साथ ही यहाँ पे स्केल टू और स्केल थ्री की भी पोस्ट निकलती है जब भी आरआरबी का नोटिफिकेशन आता है। तो इन चार पोस्ट के लिए ये आपका नोटिफिकेशन निकालता है, क्लर्क, पीओ यानी कि ऑफिस असिस्टेंट और स्केल वन, ये फ्रेशर्स के लिए होती है और स्केल टू और स्केल थ्री की जो पोस्ट है ये एक्सपीरियंस लोगों के लिए होती है। तो चलिए पूरी जानकारी बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले इसमें बहुत सारे बैंक पार्टिसिपेट करते हैं, 43 हमारे रीजनल रूरल बैंक हैं जो इसके अंदर पार्टिसिपेटिंग बैंक है, जैसे कि आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, आंध्र प्रगति ग्रामीण विकास बैंक, ऐसे ही आप 43 बैंक यहाँ पे देख सकते हैं जो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो आइए बात करते हैं इसको अप्लाई करने के लिए हर एक पोस्ट की एज लिमिट क्या है। यहाँ पे जो कट ऑफ डेट है वो है जून 1st, एज ऑन 1st जून आपकी जो एज लिमिट है वो आपकी एज लिमिट इतनी होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं ऑफिस असिस्टेंट की यानी कि क्लेरिकल पोस्ट की। यहाँ पे मिनिमम एज होती है 18 और मैक्सिमम होती है 28। तो क्लेरिकल वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एज 18 से लेके 28 है। अच्छी बात ये है स्टूडेंट्स, बहुत सारे ग्रेजुएशन कर लेते हैं लेकिन गवर्नमेंट जॉब नहीं भर पाते, तो 18 साल से ऊपर जो भी ग्रेजुएट है वो इसको अप्लाई कर सकता है। मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम 28 साल है। फिर आता है पीओ, ऑफिस ऑफिसर स्केल वन, जिसको असिस्टेंट मैनेजर भी बोलते हैं। यहाँ पे जो एज है वो है 18 to 30 years और ये डेट देखी जा रही है एज ऑन June 1st, 2023 में। तो यानी कि क्लर्क में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2nd June 1995 से 1st June 2005 में होनी चाहिए और पीओ में 3rd June 1993 से 31st मई 2005 में होनी चाहिए। इसके बाद आती है इससे ऊपर स्केल टू और स्केल थ्री, इनमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो स्केल टू के अंदर जो है 21 से 32 की एज है, 21 से लेके 32 साल तक की यहाँ पे एज है और स्केल थ्री की बात की जाए तो 21 से लेके 40 तक की यहाँ पे एज आपको है और ये डेट देखी जा रही है 1st जून पे, राइट। तो स्केल वन और ऑफिस असिस्टेंट, पीओ और क्लर्क हर कोई ग्रेजुएट भर सकता है, लेकिन स्केल टू और स्केल थ्री स्पेशलिस्ट ऑफिसर हैं, इनके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है और क्वालिफिकेशन भी अलग चाहिए होती है। तो हम बात करेंगे डिटेल में। आई होप आपको एज लिमिट समझ में आ गई। अब यहाँ पे ना आपको रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन भी मिलता है अलग से, रिलैक्सेशन एससी एसटी के लिए 5 ईयर अलग से, ओबीसी के लिए 3 साल, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन के लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कि कौन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि क्लेरिकल पोस्ट के लिए और पीओ पोस्ट के लिए फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं चाहिए। बम्पर वैकेंसी आई है स्टूडेंट, सबसे ज्यादा वैकेंसी आरआरबी के अंदर ही आपको देखने को मिलती है, तो यहाँ पे आपको बहुत वैकेंसी मिलेगी। हम बात करेंगे कितनी वैकेंसी आई, करीब करीब सारे यहाँ पे जितने एग्जाम है उसको आप मिला देंगे तो करीब करीब 8500 वैकेंसी आई है स्टूडेंट, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी। तो चलिए वो डिटेल में बात करेंगे किसकी कितनी आई है। यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले ऑफिस असिस्टेंट क्लेरिकल पोस्ट की। यहाँ पे डिग्री क्या चाहिए आपको, बैचलर डिग्री चाहिए, राइट, और आपकी लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए जिस भी एरिया के लिए आप फॉर्म भरेंगे और कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो कोई भी बैचलर डिग्री वाला क्लेरिकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता इसके लिए। सेम जो पीओ होता है, जो ऑफिसर होता है स्केल वन, उसके लिए आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए,
यहाँ पे प्रेफरेंस लिखी हुई है कि इन लोगों को दी जाएगी, लेकिन कोई भी ग्रेजुएशन यहाँ पे जिसकी हो वो अप्लाई कर सकता है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। अगेन आपको लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए, बिकॉज देखिए ये रीजनल रूरल बैंक है, तो ग्रामीण बैंक होते हैं ज्यादातर इसके अंदर, तो यहाँ पे आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए और कंप्यूटर की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई भी परसेंटेज बार नहीं है, नो परसेंटेज बार, और ये देखी जा रही है एजुकेशन क्वालिफिकेशन 21 जून तक, क्योंकि जो इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 21 मई 21 जून है, तो उस डेट तक देखी जाती है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आगे बात करते हैं ऑफिसर स्केल टू। देखिए अब जो स्केल टू की पोस्ट होती है ये एक्सपीरियंस लोगों के लिए होती है। इसमें सबसे पहले आते हैं जनरल बैंकिंग ऑफिसर, जिसको शॉर्ट में हम जीबीओ बोलते हैं, जनरल बैंकिंग ऑफिसर। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 21 जून तक आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बट 50% होने जरूरी है। प्रेफरेंस दी जाएगी जिन्होंने डिग्री की है बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, इस तरह से आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आईटी वगैरह। 2 साल का यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो ये जो स्केल टू की हम आगे बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सपीरियंस, पहले वाले पीओ क्लर्क फ्रेशर लोगों के लिए थे, लेकिन ये जो है ये एक्सपीरियंस लोगों के लिए है। तो यहाँ पे जीबीओ की अगर हम बात करें, 2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए। तो जो भी बंदा बैंक में काम कर रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा है, 2 साल हो गए हैं, ऑफिसर लेवल पे आप काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे जीबीओ गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं, राइट। इसके बाद आता है ऑफिसर स्केल टू। ऑफिसर स्केल टू ये भी था, बट वो जनरल बैंकिंग ऑफिसर था, ये है स्पेशलिस्ट ऑफिसर। इसमें कई सारे कैडर्स आएंगे, कई सारी ट्रेड्स आएंगी, जैसे इसमें सबसे पहले आईटी ऑफिसर आता है, तो जो भी कंप्यूटर बैकग्राउंड से है, आईटी बैकग्राउंड से है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी बैचलर डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, आईटी या इससे रिलेटेड हो, मिनिमम 50% यहाँ पे चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए, और ये डिजायरेबल सर्टिफिकेट है, ये आपने आपके पास हो, 1 साल का आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ऐसे ही बात करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की, 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी चाहिए, और आप सीए सर्टिफाइड हो फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीए से। लॉ ऑफिसर भी यहाँ पे निकलता है। बेसिकली यहाँ पे स्केल टू में कौन कौन से निकलते हैं, जीबीओ निकलता है, फिर आईटी है, फिर आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट है, फिर लॉ है, एग्रीकल्चर ऑफिसर भी इसके अंदर होता है, मार्केटिंग ऑफिसर भी होता है, और ट्रेजरी मैनेजर भी होता है। तो चलिए लॉ ऑफिसर की बात करते हैं। डिग्री चाहिए लॉ में 50% मार्क्स के साथ, और 2 साल आपका एक्सपीरियंस रहा हो, या तो एडवोकेट या फिर आपने लॉ ऑफिसर काम किया हो किसी बैंक में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, 2 साल से कम एक्सपीरियंस नहीं चाहिएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कुछ पोस्ट में 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और कुछ पोस्ट में 2 साल, तो जरूरी नहीं है कि हर एक में 2 साल होगा। ट्रेजरी मैनेजर भी यहाँ पे पोस्ट निकलती है, एमबीए किया हो आपने फाइनेंस में या सीए हो तो आप ट्रेजरी मैनेजर के लिए भी जा सकते हैं, 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। मार्केटिंग ऑफिसर एमबीए मार्केटिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में बैचलर डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, इन सब के अंदर 50% मार्क्स इसमें चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये थी स्टूडेंट स्केल टू के लिए। इसके बाद आता है सबसे बड़ा स्केल थ्री, सीनियर मैनेजर। इसमें आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री चाहिए 50% में, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और यहाँ पे इन लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी, पर अप्लाई कोई भी कर सकता है। तो जिनका 2 साल का एक्सपीरियंस है और वो किसी स्पेशलिस्ट ऑफिसर के अंदर आते हैं, कोई स्पेशल फील्ड में यहाँ जॉब कर रहे हैं कहीं पे, तो वो स्केल टू में किसी के लिए भर सकते हैं, और अगर आप फ्रेशर हैं, बिल्कुल ग्रेजुएट हैं, तो आप पीओ क्लर्क के लिए आराम से भर सकते हैं, उसमें कोई परसेंटेज नहीं मांगा है। एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो यहाँ पे 175 रुपीज है फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, और जनरल के लिए ओबीसी के लिए 850 यहाँ पे चार्जेस रहेंगे। कब अप्लाई कर सकते हैं, आज से ही 1 जून से अप्लाई कर सकते हैं, 21 जून तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट एग्जाम पैटर्न की, पेपर कैसा होता। अभी हम बात करेंगे स्टूडेंट वैकेंसी कितनी आई, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि टोटल वैकेंसी कितनी है, पहले एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। पीओ क्लर्क के अंदर यहाँ पे जो वैकेंसी है उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। अगर हम क्लर्क की बात करें ऑफिस असिस्टेंट की, रीजनिंग और मैथ्स, इसमें 2 ही सेक्शन आते हैं प्री के अंदर, एक प्री होगा और एक मेंस होगा। तो प्री का पैटर्न मैं आपको पहले बता रहा हूं, मैथ्स और रीजनिंग आएगा, 40-40 क्वेश्चन आएंगे,
दोनों के अंदर 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के लिए और कॉम्पोजिट टाइम मिलेगा 45 मिनट। सेम दोनों में ही ऐसा होता है, पीओ के अंदर भी और क्लर्क के अंदर भी। ये पेपर स्टूडेंट जो भी आरआरबी के अंदर होते हैं ये सारी लोकल लैंग्वेजेस में होते हैं, तो आप इसे स्पेशली जो क्लेरिकल का एक जो एग्जाम होता है वो आप दूसरी सारी अपनी लोकल लैंग्वेजेस में भी दे सकते हैं एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज की जगह। अब मेंस एग्जाम की बात करते हैं, तो मेंस के अंदर जो क्लर्क है उसमें रीजनिंग और मैथ्स तो आता ही है, इसमें कुछ सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हो जाते हैं कंप्यूटर, जीए और इंग्लिश। इंग्लिश की जगह पे हिंदी ऑप्शनल रहता है, इंग्लिश की जगह पे हिंदी ऑप्शनल है। जिन बच्चों की इंग्लिश वीक है वो हिंदी सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं, आरआरबी में ये अच्छी बात होती है, राइट। तो यहाँ पे इनके क्वेश्चन कितने हैं, सबके 40-40-40 क्वेश्चन है। मार्क्स यहाँ पे रीजनिंग के 50 हो जाते हैं और मैथ्स के 50 हो जाते हैं, तो मैथ और रीजनिंग का वेटेज अच्छा है। जिन बच्चों का मैथ रीजनिंग बहुत अच्छा है, इंग्लिश में हालत खराब है, आरआरबी से अच्छा पेपर कोई नहीं हो सकता है, यहाँ पे इसका वेटेज ज्यादा हो जाता है। कंप्यूटर आधे नंबर का हो जाता है, जीए और इंग्लिश 40-40 मार्क्स के, 2 घंटे का कॉम्पोजिट पेपर। स्केल वन ऑफिसर में क्या होता है, सेम ऐसा ही। यहाँ पे अगर आप देखेंगे रीजनिंग और मैथ्स वही 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के हो जाते हैं, कंप्यूटर आधा, जीए सेम 40-40, इंग्लिश 40-40 और यहाँ पे भी 2 घंटे का आपको कॉम्पोजिट टाइम मिलता है। तो आप देख सकते हैं क्लर्क का और पीओ का जो मेंस का पैटर्न है और प्री का पैटर्न है, दैट इज सेम, राइट। अब बात करते हैं स्केल टू जीबीओ के लिए, जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए। इसमें सिंगल लेवल पेपर होगा। देखिए जो पीओ और क्लेरिकल के पेपर थे वहां दो दो पेपर हो रहे थे, लेकिन स्केल टू और स्केल थ्री की जितनी भी पोस्ट है उनके लिए एक ही पेपर होगा सिंगल। इसमें क्या होगा, रीजनिंग, कंप्यूटर, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश और हिंदी। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस जीए की जगह पे दिख रहा है, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वांट एंड डेटा इंटरप्रिटेशन 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स। तो यहाँ पे आपको क्वांट और डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कंप्यूटर नॉलेज जो है वो 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, इंग्लिश या हिंदी ऑप्शनल है। अगेन यहां भी आप इंग्लिश या हिंदी में से कोई भी चूज कर सकते हैं, 2 घंटे का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन 200 नंबर का। अगर हम बात करें स्केल टू स्पेशलिस्ट ऑफिसर में, तो यहाँ पे एक प्रोफेशनल नॉलेज का पार्ट एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, क्योंकि ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर है, जैसे AFO था, लॉ था, CA का था, मार्केटिंग का था, IT का था, राइट। जितने भी ये एग्जाम होते हैं इन सबका आपका प्रोफेशनल पार्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। फिर आपका रीजनिंग है, फाइनेंशियल अवेयरनेस है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, ये सब 40-40 क्वेश्चंस आते हैं। इंग्लिश 20 नंबर का आधा हो जाता है, कंप्यूटर भी 20 नंबर का आधा हो जाता है। यहाँ पे 240 क्वेश्चन है लेकिन नंबर वही होते हैं 200 और टाइम बढ़ जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गए हैं, अब 200 की जगह 240 क्वेश्चन है, यानी कि स्पेशलिस्ट कैडर में 40 क्वेश्चन आपके प्रोफेशनल नॉलेज के एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं और टाइम भी आपका आधा घंटा और बढ़ जाता है, 2.5 घंटे होगा। सेम स्केल थ्री में क्या होता है, स्केल थ्री में आपका प्रोफेशनल नॉलेज नहीं आता, रीजनिंग, कंप्यूटर, फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश और क्वांट का सेक्शन यहाँ पे आता है। यहाँ पे वही रीजनिंग और मैथ्स का वेटेज ज्यादा हो जाता है, कंप्यूटर का वेटेज आधा, फाइनेंस का पूरा है और फाइनेंशियल अवेयरनेस का पूरा है, इंग्लिश का पूरा है। फिर से 2 घंटे का टाइम आपको मिलता है और इनमें नेगेटिव मार्किंग भी पूरी रहती है, राइट स्टूडेंट्स। इंटरव्यू भी होगा स्केल वन, स्केल टू, स्केल थ्री तीनों के लिए। क्लेरिकल के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होता, स्केल वन, स्केल टू, स्केल थ्री के लिए तीनों के लिए इंटरव्यू होगा, 100 मार्क्स का, और इसमें 40% जो है वो मिनिमम क्वालिफाइंग होता है। और फाइनली जो आपकी मेरिट बनती है वो आपका जो मेंस एग्जाम हो रहा है और जो फाइनली मेंस या जहां पे सिंगल लेवल एग्जाम होता है उसको देखा जाता है, प्लस आपका जो इंटरव्यू है उसका 80:20 देखा जाता है। जैसे आप पीओ देंगे उसमें मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स, और अगर स्केल टू या स्केल थ्री देंगे तो उसमें तो एक ही सिंगल पेपर है उसका और इंटरव्यू का जो वेटेज है वो 80:20 में से आपका सिलेक्शन होगा, राइट स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं एग्जाम डेट्स की। आज से ही आप अप्लाई कर सकते हैं, 21 जून लास्ट डेट है अप्लाई करने की, बट आपको आज ही करना है, सबसे पहला काम है इसको निपटाइए। और जो इसका एग्जाम है, अगर पहले हम बात करें प्री एग्जाम जो है वो आपका अगस्त में हो जाएंगे और जो मेंस एग्जाम है वो सितंबर में होगा।
स्टूडेंट्स 6 महीने में आपकी जॉब लग सकती है, जनवरी में आपको अलॉटमेंट यहाँ पे प्रोविजनल दे दिए जाएंगे, तो आप समझ सकते हैं 6 से 7 महीने में ये पूरा प्रोसेस हो जाता है। अब मैं आपको आईबीपीएस का कैलेंडर भी दिखाता हूँ जो आ जाता है पहले ही, यहाँ पे डेट्स पहले से ही मेंशन होती हैं और लगभग इसी डेट को एग्जाम होता है। तो जो आपका पीओ और क्लर्क का जो एग्जाम है प्री का, वो अगस्त में होता है, 5th अगस्त, 6th अगस्त, 12th अगस्त, 13th अगस्त और 19th अगस्त। तो 5, 6, 12, 13 या 19 इसमें से किसी एक दिन आपका पीओ और क्लर्क का प्री का एग्जाम होगा। अगर हम इनके मेंस की बात करें तो पीओ का मेंस आपका 10 सितंबर को होगा। ये आईबीपीएस के कैलेंडर के हिसाब से डेट्स पहले आ जाती हैं, ऑलमोस्ट यही डेट्स रहती हैं हमेशा। 10 सितंबर को आपका पीओ का मेंस का एग्जाम है, क्लर्क का 16 सितंबर है, स्केल 2 और स्केल 3 का जो एग्जाम है वो आपका 10 सितंबर का है। तो ये है हमारा फाइनली नोटिफिकेशन। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आई है। ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज स्टूडेंट्स, हम आपको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर पूरा कंपैरिजन बताएंगे, कितनी वीडियोस, कितनी वैकेंसी पहले आई थी, कितनी अब आई हैं। अभी हम देखते हैं सबसे पहले क्लेरिकल के अंदर यहाँ पे वैकेंसी कितनी है। आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर जितने भी बैंक आते हैं उसमें कितनी वैकेंसी आई। जैसे पहले आंध्र प्रगति में 500 है, फिर चैतन्य में 51 है और फिर सप्तागिरी में 128 है। ऐसी हर स्टेट में वैकेंसी आप देख सकते हैं अलग अलग, और लगभग जो यहाँ पे वैकेंसी है वो है 5500 के आसपास, 5500 के आसपास यहाँ पे क्लोज टू आपकी वैकेंसी है किसके अंदर, क्लेरिकल में। तो क्लर्क के अंदर जो वैकेंसी आई है वो 5500 वैकेंसी आई है। अगर हम बात करें ऑफिसर स्केल 1 स्टूडेंट, एक और बात बता दूं, ये वैकेंसी बाद में बढ़ती है क्योंकि कुछ स्टेट है, कुछ बैंक हैं जो अभी यहाँ पे नॉन रिपोर्टिंग होते हैं, जिन्होंने अपनी वैकेंसी नहीं दिखाई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक है, ओडिशा ग्रामीण बैंक है, ऐसे कम से कम यहाँ पे मुझे 6-7 बैंक दिख रहे हैं जिन्होंने अभी वैकेंसी अनाउंस नहीं की है। तो वो वैकेंसी आपके लिए बढ़ेगी, तो कम से कम ये 1000 और बढ़ जाएंगी, 5500 की और ज्यादा हो जाएंगी, राइट। ऑफिसर स्केल 1 पीओ की बात करते हैं, पीओ में वैकेंसी उससे कम आती हैं, यहाँ पे लगभग 2300 के आसपास आपको वैकेंसीज यहाँ पे टोटल दिख रही हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में अगर आप देखें तो 200 और 14 और 47 अगर आप ऐड करें, करीब 261 के आसपास वैकेंसी है। अगर आप दिल्ली में देख रहे हैं, दिल्ली में अगर आप अलग अलग स्टेट में देखेंगे किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है तो वो भी आप देख सकते हैं, राइट। तो हमारी पीओ के अंदर 2300 वैकेंसी है, क्लर्क में 5500 वैकेंसी है। अब बात करते हैं स्पेशलिस्ट जो हमारे पास थे स्केल 2 वाले, उसके अंदर कितनी वैकेंसी है। तो पहले आपका स्केल 2 के अंदर जो है वो देखते हैं, एएफओ में 56 वैकेंसी है। फिर से कुछ बैंक ने अभी रिपोर्ट नहीं किया है तो ये वैकेंसी सारी बढ़ती है एंड में। मार्केटिंग जो मैनेजर है उसमें 3 है, ट्रेजरी ऑफिसर में आपके पास 8 है, लॉ ऑफिसर में 21 है, सीए के अंदर जो है वो 18 है, आईटी के अंदर 68 है, जीबीओ जनरल बैंकिंग ऑफिसर में 333 है और स्केल 3 जिसमें 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है वहां पे 73 है। तो अगर आप इन सबको ऐड कर देते हैं तो करीब 8400-8500 के आसपास वैकेंसी है। ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी है, आई थिंक हर फील्ड के लिए इसमें वैकेंसी निकलती है। पीओ और क्लर्क जो है वो फ्रेशर ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी स्पेशल स्ट्रीम के लिए, एक्सपीरियंस लोगों के लिए वैकेंसी है जिनको 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और स्केल 3 5 साल का एक्सपीरियंस जिसमें चाहिए, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट। एंड वी हैव बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज फॉर आरआरबी स्केल 2, जीबीओ स्केल 3 का हमारे पास कोर्स अवेलेबल है, आईटी ऑफिसर अवेलेबल है, लॉ ऑफिसर अवेलेबल है, एग्रीकल्चर ऑफिसर का कोर्स भी अवेलेबल है। इस नंबर पे तुरंत कॉल करिए अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, डायरेक्टली आप एनरोल कर सकते हैं इस कूपन कोड से RRB45। आपको अभी नोटिफिकेशन आने पे एक स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है 45% ऑफ अगर आप अभी एनरोल करते हैं। अगर आप पीओ और क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास सुपर पैक कोर्स भी अवेलेबल है। सो स्टूडेंट्स, ये सुपर पैक ऑनलाइन कोर्स सारे बैंक पीओ क्लर्क एग्जाम के लिए एक सुपर महापैक कोर्स अवेलेबल है। ये सिंपल कोर्स नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स नहीं है, ये एक्सक्लूसिव कोर्स है। इसके अंदर आपके आईबीपीएस, आरआरबी, एसबीआई सारे एग्जाम का प्रिपरेशन कवर होता है,
सारे सब्जेक्ट्स का आपको यहाँ पे कंटेंट मिलता है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, कंप्यूटर, हिंदी, इंटरव्यू गाइडेंस। इसके अंदर आपको एक्सक्लूसिव फीचर मिलते हैं जैसे 1-on-1 इंटरेक्शन विद द फैकल्टी, पर्सनलाइज्ड मॉक टेस्ट गाइडेंस, रेगुलर गाइडेंस, मेंटर सपोर्ट, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आपके मॉक टेस्ट इवेल्युएट होते हैं, आस्क डाउट फीचर आपको मिलता है, स्पेशल ईमेल आईडी मिलती है डाउट पूछने के लिए, और बहुत सारे वीडियोस, 200 से ज्यादा मॉक टेस्ट, 35,000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन, डेली लाइव क्लासेस और भी बहुत कुछ। तो इसके अंदर जल्दी एनरोल करिए, आप इसका कूपन कोड यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट सुपर पैक कोर्स जो कि बैंक पीओ क्लर्क के लिए अवेलेबल है, और आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 के कोर्सेज भी आपको यहां पे मिल जाएंगे। तो जल्दी से एनरोल करिए और अपने आप को बनाइए 50% फास्टर। प्रिपरेशन आप कर सकते हैं हमारे साथ। सो अगर आपकी कोई ज्यादा जानकारी चाहिए इस नंबर पे कॉल करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, कल हम फिर से आएंगे लाइव, आपको और ज्यादा जानकारी देंगे इस एग्जाम के बारे में, प्रीवियस ईयर कट ऑफ, एग्जाम एनालिसिस, बहुत कुछ आपको यहाँ पे इस चैनल पे मिलेगा। साथ के साथ स्टूडेंट हमारा एक बी बैंकर चैनल है जिसके ऊपर आपको आने वाले जितने भी पीओ एग्जाम है, क्लरिकल एग्जाम है, बैंकिंग से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वहां पे आपको ज्यादातर वीडियोस मिलेंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।